देखो बच्चों, क्लास 11 इंग्लिश हम यहाँ पर डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूस की स्टडी कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे थे। मैंने इसकी स्टोरी को बताया था कि इजिप्ट का राजा अर्थात फैरो था, उसका अंतिम राजे का नाम टुट था और टुट जब उसका देहांत हुआ तो उसकी मम्मी को बनाकर दफना दिया गया। दफनाने के बाद उसकी मम्मी के साथ बहुत सारा सोना चांदी आभूषण खाने पीने का सामान सबको सुरक्षित रख दिया गया था, क्योंकि इजिप्ट के लोग ये समझते थे कि मरने के बाद कुछ समय पश्चात उनके राजा का पुनः जन्म होगा और इस बॉडी में आ जाएंगे। ये मम्मी हजारों साल से वहाँ पर दफन थी। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड केटर थे जिन्होंने इसकी मम्मी की खोज की और निकालने के बाद उसके बारे में स्टडी करना प्रारंभ किया। जब वो प्रारंभ कर रहा था तो उसकी मम्मी के उसने बहुत गलत तरीके से उसको निकाला, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे, उसी के बाद के क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में मैग्नेटिक सेंसर के थ्रू बॉडी का जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो हमें थ्री डायमेंशन पिक्चर एक एक चीज के बारे में जानकारी पता लग जाती है। तो हॉवर्ड केटर ने सीटी स्कैन करवाने को प्रारंभ किया, तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन अर्थात सीटी स्कैन का परिणाम क्या है, इसका क्या रिजल्ट आया, सीटी स्कैन करने से क्या पता लगा। तो आंसर है हॉवर्ड केटर वाज फर्स्ट टू डिस्कवर टुट्स मम्मी एंड हिज इन्वेस्टिगेशन रिजल्टेड इन ग्रेट डैमेज। इसका मतलब क्या हो गया, हॉवर्ड केटर जो आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व शास्त्री थे, उन्होंने पहली बार राजा टुट की डिस्कवर यानी खोजा, है ना, इसका मतलब क्या है, खोजा, ठीक है, राजा टुट की मम्मी को खोजा और इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल की, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, एंड रिजल्टेड इन ग्रेट डैमेज अर्थात जैसे इनकी खोज की सिटीज और जब इसको खोज करने के बाद जब इसकी स्टडी की तो बहुत सारा इसकी ये खराब हो चुकी थी। ठीक, इट वॉज फाउंड दैट मम्मीज ब्रीस्ट बोन यानी मम्मी जो थी उस मम्मी की ब्रीस्ट बोन यानी छाती बोन यानी हड्डी, छाती की हड्डी और रिब्स वेयर मिसिंग यानी ये जो रिब्स होते हैं ना हमारे पसलियां जिसको बोलते हैं उनको हम रिब्स बोलते हैं। उसने देखा कि सीटी स्कैन से जब उसने पूरी स्टडी की तो उसको पता लगा कि मम्मी तो बहुत सारी डैमेज यानी बेकार हो गई है, खराब हो गई है और छाती की हड्डी और पसलियां उसमें नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। यानी हमारे को ये बताना है प्रौद्योगिकी में प्रगति को सूची बनाकर कहें जिससे फॉरेंसिक विश्लेषण में सुधार किया गया, यानी हमें ये बताना है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या सुधार किया गया और जो फॉरेंसिक इस विश्लेषण, मैंने क्या बताया था, फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी मृत बॉडी की जानकारी लेते हैं उसका अध्ययन करते हैं तो उनमें क्या क्या सुधार किए गए। क्योंकि राजा टुटकी मम्मी जो थी एक टाइप की डेड बॉडी थी इसलिए उसने सीटी स्कैन किया तो जो इम्प्रूवमेंट हुए उनको हम यहाँ पर देखते हैं। टुट
सीटी स्कैन टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू टेक 100 ऑफ एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये सीटी स्कैन हुआ और उसका एक्सरे हुआ। एक सीटी स्कैन में एक टाइप का बड़ा और बहुत तरीके से एक्सरे हो जाता है। क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, किसी के सामने का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन कहलाता है। दे कैन बी पुट टूगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशन वर्चुअल बॉडी। अब ये क्या होता है, इसमें किसी भी चीज के बहुत सारे पिक्चर लिए जाते हैं और पिक्चर इकट्ठे करने के बाद एक थ्री विमी एक बॉडी की कल्पना की जाती है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि कोई बॉडी का पिक्चर बना लेते हैं तो वो अंदर का भी दिखता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। तो ये वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनती है। दिस प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। और अगर जब ये डेटा इकट्ठा हो जाता है तो ये डेटा क्या करता है, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन यानी मृत्यु जो हुआ था उसके बारे में पूरे के पूरे डेटा को बता देता है कि उसका चेहरा ऐसा होगा, वो ऐसा कलेक्ट हुआ होगा आदि आदि, उसकी हाइट ऐसी थी, वो ऐसा दिखता होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममी टू बी स्कैन इन दैट एज हिज लाइफ। इसका मतलब क्या हो गया, हमें इस स्टेटमेंट को बताना है एक्सप्लेन करके कि राजा टूट उन ममियों से एक था जिसका स्कैन हुआ था जैसा उसकी लाइफ में थी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे वो जीवित अवस्था में था वैसे आज क्या हो गया, फर्स्ट था जिसका स्कैन हुआ था, यानी राजा टूट राजा ही रहा जीते जी और मरते ही। मरने के बाद ये पहली मम्मी थी जिसकी वहां पर जांच हुई और उस समय तो वो राजा ही था। द अबव स्टेटमेंट रेफर दैट देयर आर 100 ऑफ मनी। यह स्टेटमेंट ये बताता है कि पर 100 से ज्यादा मम्मी थी, कहाँ पे, इन इजिप्ट, इजिप्ट में, ठीक है। बट टूट्स मनी इज द फर्स्ट टू बी स्कैन, लेकिन राजा टूट की मनी पहली मम्मी थी जिसको थ्री डायमेंशन स्कैन किया गया था। ही रिमेन द फर्स्ट इवन इन दैट एज ही वॉज द फर्स्ट अमोंग हिज कंट्रीमैन व्हेन ही वॉज लिव्ड। वह जिंदा था अपने समय में और मर गया तब भी वो दोनों स्थिति में यहाँ पर अपने देशवासियों के कंपेयर पहला आदमी था। राजा पहला कहलाता है मरने के बाद भी, चूंकि उसकी मम्मी की क्या हुई थी, फर्स्ट सीटी स्कैन हुआ था, इसलिए मम्मी का भी उसका थ्री डायमेंशन पिक्चर बनाया। तो वहां के जीव होते हुए और मरने के बाद हर चीज में ये फर्स्ट आया। ही वॉज अ रूलर एंड एम्परर, वह वहां का राजा और शासक था जो वो जीते जी था और मरने के बाद भी, समझ लीजिए, बना रहा, ठीक है। दैट इज द स्टोरी।